हेलो नमस्ते। आज मैं बताने वाली हूँ टेस्टोस्टेरोन कैसे नेचुरली बूस्ट करेंगे, उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ। सबसे पहले ये टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन बोला जाता है। आदमी के अंदर ये हार्मोन्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा मसल स्ट्रेंथन करने के लिए, हेयर ग्रोथ, अदर हमारा जो बर्ड हो गया, हमारे शरीर का हेयर ग्रोथ हो गया, हेयर बोन डेंसिटी हो गया, हार्मोन का बैलेंसिंग हो गया, ताकि सेक्सुअली डिजायर नहीं तो सेक्सुअल डिजायर के लिए, ये सब के लिए हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बराबर रहना बहुत ज़रूरी है। उसका लो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहने से आदमी को स्ट्रेंथन मसल नहीं होगा, बोन डेंसिटी कम रहेगा और सेक्सुअल डिजायर में प्रॉब्लम रहेगा, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, इनफर्टिलिटी के लिए भी एक कारण हो सकता है। सो नेचुरली कैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना है, वो उसी के लिए पॉइंट बता रही हूँ। अगर आर्टिफिशियल आपने इंजेक्शन वगैरह लेने से क्या हुआ, नेचुरली जो बॉडी प्रोड्यूस करता है उसको वो स्टॉप हो जाता है, वो अननेसेसरी आपको बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। बहुत लोग ऐसे स्टीरॉयड हो गया इंजेक्ट करके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, बट वो हेल्दी मेथड नहीं है, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। नेचुरली आपको जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए आपका लाइफस्टाइल, ताकि आपकी खाने पीना, आपका एक्सरसाइज और स्लीप, ये बहुत ज़रूरी है। उसका अलावा मैं तीन एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता रही हूँ। सबसे पहले खाने पीने में आपको जो खाने के अंदर जिंक और विटामिन डी, विटामिन डी हमको पता है, विटामिन डी में खाने पीने को आप जानते ही होगा, नेचुरल विटामिन डी जो सन से मिलता है, तो आपको सन की एक्सपोजर आपकी दिन में कम से कम 10 to 15 minutes, एटलीस्ट 10 मिनट आप सुबह का सन को एक्सपोज कर लीजिए, आपको बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो विटामिन डी और जिंक जो खाने पीने के, मैं कुछ एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज आपका स्पिनच हो गया, किडनी बीन्स हो गया, पल्सस हो गया, मशरूम हो गया, ये सब आपका खाने में आप ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा कैल्शियम और जिंक उसमें मिल जाएगा आपको शरीर के लिए। और एक है कि आपकी सैचुरेटेड फैट का भी ज़रूरी है। सैचुरेटेड फैट आपकी हेल्दी फैट होते हैं शरीर के लिए, वो ज़रूरी रहता है, बट सैचुरेटेड फैट आपको दिन में मोर देन 20 ग्राम नहीं लेना है। सैचुरेटेड फैट में आपका कोकोनट आएगा, पनीर आएगा, चिकन आएगा, एग योक आएगा, ये सब चीज़ को आपको खाने में शामिल करना है। इसमें क्या होता है, नेचुरली आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, आपकी शरीर को जितना ज़रूरत है उतना मिलेगा, तो आपको चेंजेस पता चलेगा। एक और चीज़ है कि फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन के लिए थाई एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं थाई एक्सरसाइज, उसको आप 40 minutes, 45 minutes रेगुलर बेस में करने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके शरीर में जितना खाने का इम्पोर्टेंट आप देते हैं, इतना ही आपको फिजिकल एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको एक आधा घंटे से लेके 45 मिनट्स तक डेली, और स्पेशली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाले एक्सरसाइज, वो थाई एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी उस एरिया का जो मसल पासम हो गया, मसल स्ट्रेंथन हो गया, उसमें क्या आप प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे। स्पेशली वो एक्सरसाइज को आप फॉलो कर लीजिए, आपको डिफरेंट पता चलेगा। और एक चीज़ है कि स्लीप, आपका जो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नींद क्वालिटी में क्वांटिटी में नहीं, मतलब आप 12 घंटा सो गया बट वो नींद अच्छा से नहीं होगा, शांत से नहीं है, तो बेनिफिट नहीं होगा। आपको क्वालिटी का स्लीप लेना है, 6 to 7 hours आपको बहुत अच्छा से नींद लेना है, वो आपका मेंटल स्ट्रेस को भी कम करेंगे। स्ट्रेस और नींद की टाइम आपकी बॉडी में जो जो करेक्शंस है वो पूरा इक्वली बैलेंस हो जाता है। तो आपको जो मैं तीन एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा रही हूँ उसके साथ साथ आपको ये सारा चीज़ को फॉलो करना है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आजकल फ़ोन कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग करती हूँ, पेड कंसल्टेशन है। मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर आपका ये यूट्यूब चैनल में मैं दे दूँगी। किसी को अगर फ़ोन कंसल्टेशन का ज़रूरत है, कोई इंक्वायरी है, आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, फ़ोन कंसल्टेशन ओनली अवेलेबल है। सो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर हमको ये प्रॉब्लम है उसके लिए और सोल्यूशन है, तो आराम से आप पर्सन टू पर्सन कंसल्ट कर सकते हैं। अभी मैं तीन एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा रही हूँ, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है,
3 months to 6 months तक आप कर सकते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट को। एटलीस्ट आपको रेगुलरली 1 to 3 months तो करना ही करना है। बीच में आपको एक दिन कर लिया, एक दिन छोड़ लिया, तब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रेगुलर आप करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट करा दिखा रही हूँ आपको, एक एक एक्यूप्रेशर पॉइंट 1 मिनट नहीं तो 3 मिनट, 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट में आप तीनों चूज कर सकते हैं, नहीं एटलीस्ट एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को 3 मिनट्स तक भी यूज़ कर सकता है। इसको दिन में 3 टाइम कर सकते हैं, बट मिनिमम 1 टाइम तो आपको करना ही है। तो फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है स्प्लीन 6 बोलता है, SP6 बोलता है। वो आपका इधर एक बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड से आपका 4 फिंगर ऐसे ऊपर रखना है। मेरे डमी छोटा है इसलिए मैं फिंगर रखने से ऊपर चले जाएंगे, बट आपकी जो पैर में ये बोन है इसके सामने इधर भी एक बोन मिलेगा उसकी जस्ट बगल में, तो ऐसे आप 4 फिंगर रखोगे ना इधर मिलेगा ये पॉइंट, SP6 बोलता है। ये प्रेस करने से बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, यही आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है। फर्स्ट डे आप करोगे तो बहुत ज़्यादा ही पेन रहेंगे, बट आप करते करते वो पेन थोड़ा कम होंगे। बट डीपली प्रेस करना ज़रूरी है, पेन ज़रूर होंगे, बट आपका जो भी सेक्सुअली प्रॉब्लम हो गया, आपका हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो गया, सारा कुछ इसमें आपकी एनर्जी, आपका स्टैमिना, ये सब के लिए SP6 बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको ऐसे प्रेस करना है, डीपली प्रेस करना है और छोड़ना है, 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये बाइलेटरल है, दोनों हाथ दोनों पैर में आपको करना है। सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट K3 है, ये बॉन्ड का और ये एंड की बीच में आएगा, ये K3 बोलता है। इसको भी आपको फिंगर से ऐसे डीपली प्रेस करना है, 1 to 3 मिनट्स आप इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ये बॉन्ड और इसका बीच में ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट K3 बोला जाता है। ये दोनों पैर में आपको करना है SP6 और K3। और लास्ट आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है ST36, ये आपका गुडना आपका नी है। इसमें से आपको जो आपका 4 फिंगर नीचे कर लीजिए, इधर आपको पॉइंट मिलेगा, ये भी आपका बोन है, बोन की बगल में आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा पेन रहेंगे ये पॉइंट प्रेस करने से, ST36 स्टोमक चैनल 36 बोला जाता है। ये आपका गुड़ने से आपका 4 फिंगर नीचे करना है, इस जगह पे आपको मिलेगा। इसको भी आपको दोनों प्रेयर में एक्टिवेट करना है। तो ये दोनों अब आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने आपको दिखाया, वो तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट 1+1+1 ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। सपोज आपको एक ही पॉइंट करना है तो आप SP6 को चुन लीजिए, नहीं तो K3 को चुन लीजिए, नहीं तो ST6 को। बट सबसे अच्छा पॉइंट है K3 एंड SP6, ये आपको करना ही है। उसके साथ ST36 को भी एक्टिवेट करना है। ये तीनों एक्यूप्रेशर को पॉइंट को रेगुलर आपको यूज़ करना है। दिन में एक बार तो बराबर करना ही करना है, कम से कम नहीं एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन भूल गया, ऐसे तो रिजल्ट मिलने में मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो मैंने खाने पीने का बोल दिया, आपका एक्सरसाइज बोल दिया और आपका नींद बोल दिया, ये सबको बराबर लेके जाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। भले आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम के बाद रिजल्ट मिलेगा, बट वेरियस चेंजेस आपको पता चलेगा। अगर आपको पर्सनली कोई ट्रीटमेंट कुछ सजेशन चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। उसके लिए पर्सन टू पर्सन क्या होता है, उनका आपका एज, आपका कुछ और बीमारी है, कुछ और मेडिसिन चल रहा है, उसके हिसाब से आपको पर्सनली सजेशन मैं दे सकती हूँ। आपको वो जो नंबर में आप पेड कंसल्टेशन मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो यही है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट और घर का घरेलू जो जो मैंने बोला है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। सो आपको सपोज आप लोग को कोई और वीडियो सब्जेक्ट के ऊपर मेरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। कोई भी वीडियो मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हिंदी में वीडियो चाहिए, क्योंकि हिंदी में बहुत कम ही मैं वीडियो बनाती हूँ। कोई अगर रिक्वेस्ट किया हो तो मैं कर लेती हूँ। यही ये वीडियो भी किसी ने भी रिक्वेस्ट किया था उन्हीं के लिए बना रही हूँ। बट बहुत अगर कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो बराबर मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँगी।
सपोज मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया, उसमें आप शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अगर पॉजिटिव कमेंट है तो आप कमेंट कर लीजिए। थैंक यू।